बिहार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं बिहारी होने के नाते, बिहार का बेटा होने के नाते मैं पीछे नहीं हटूंगा। युवा से वादा हुआ था कि 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी मिलेगा, जो आपको 2 लाख भी नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का जो काम था वो नहीं किए, क्योंकि अटल जी ही कहा करते थे कि विपक्ष जो है वो हमारी तीसरी आंख होता है, जो हम नहीं देख पाते वो दिखाते हैं और फिर मैं वह काम करता हूँ। तो लेकिन आज का जो सरकार है ऐसी बात नहीं मानते, वो विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, उसको ठिकाने लगाने पे सोचते हैं। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। जीताराम मांझी के बाद अब मुकेश सहनी का भी सुर बदलने लगा है। मुकेश सहनी ने आज सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है, तो वहीं बीजेपी को जमकर सुना दिया है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं आप देखिए। यहाँ पे रात्रि विश्राम का कल कार्यक्रम आरा का था, वहाँ से करके आज रात्रि विश्राम यहाँ पे है। आज कैमूर में जाना है, वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जयंती मनाने के लिए जाना है, तो कार्यक्रम है। उसी उद्देश्य से रात में विश्राम हुआ, पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता गण सबसे मुलाकात हुआ और इसी के लिए आज हम यहाँ पे रुके हुए हैं और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। एक सवाल जो है, अभी सत्ता के गलियारों में कहीं अब बिहार के राजनीतिक में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से दिल्ली में दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, और बताया जा रहा है विपक्षी एकता को मजबूत करने का वो काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हो सकते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी के विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हों। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देश में विपक्ष जो है ना हमेशा मजबूत होना चाहिए। जब विपक्ष मजबूत होगा तो देश में जो सरकार में रहेंगे वो विपक्ष को देख के काम करेंगे। अगर विपक्ष अगर मजबूत नहीं होता तो वहाँ पर सरकार लापरवाही करता और अच्छा काम नहीं करते। तो अभी फिलहाल जो देखते हैं कि 8-10 साल से आप देखने के लिए जो मिल रहा है कि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है और जिसके कारण सरकार जो है वो तानाशाह के जैसे काम कर रहे हैं। तो उस जगह पे अगर बिहार का बेटा बिहारी और पूरे देश को एकजुट कर सकते हैं, ये इससे पहले भी 75 के समय में भी जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरे भारत गोलबंद हुआ था, अगर अभी भी अगर ऐसा गोलबंद हो रहा तो ये अच्छी बात होगा कि विपक्ष मजबूत होगा, क्योंकि अटल जी ही कहा करते थे कि विपक्ष जो है वो हमारी तीसरी आंख होता है, जो हम नहीं देख पाते वो दिखाते हैं और फिर मैं वह काम करता हूँ। तो लेकिन आज का जो सरकार है ऐसी बात नहीं मानते, वो विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, उसको ठिकाने लगाने पे सोचते हैं, बनी हुई सरकार को गिराने का सोचते हैं, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे जगह पे युवा से वादा हुआ था कि 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी मिलेगा, जो आपको 2 लाख भी नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का जो काम था वो नहीं किए, इसके लिए आज विपक्ष अगर एकजुट हो रहा और एकजुट करने में नीतीश कुमार जी कर रहे हैं तो अच्छी बात है और होना चाहिए। ईडी सीबीआई के द्वारा जिस प्रकार से लालू परिवार कहें तेजस्वी यादव के घर पे छापेमारी की जा रही है, ईडी की छापेमारी की जा रही है, कभी सीबीआई की छापेमारी कर चलती है उनके घर पे अलग अलग आवासों पे, साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से कहा कि उनकी बहन के ससुराल में भी छापेमारी चली हुई है ईडी के, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो ये बात सही है ना, जैसे आप जैसे पत्रकार भी ये बात मानते हैं कि इस तरीके से जांच हो रहा है, ये सारे चीज़ें हो रहा है, इससे पहले इतना कहाँ हो रहा था, और ये बदले का भावना से अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। रहा कि गलत लोग किया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से टारगेट बना के व्यक्ति विशेष को टारगेट करके, व्यक्ति धर्म को टारगेट करके, व्यक्ति विशेष लोगों को टारगेट करके इस तरीके से अगर घटना होता है तो ये सही नहीं है। और बाकी ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा हम लोग क्या बोलना, देश के जनता युवा सब समझदार है, सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये विपक्ष को आवाज़ को बंद करने के लिए सब साजिश रची जा रही है। तो खैर, जनता समय आएगा सब निर्णय लेंगे। एक सवाल जिसका जवाब सिर्फ बिहार की जनता नहीं बल्कि देश की जनता भी जानना चाहती है कि क्या मुकेश सहनी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने में मदद करेंगे 2024 में? देखिए, ये अभी बहुत पहले है, सवाल आप कर दिए हैं। अभी पहले तो विपक्षी एकता की बात हो रही है, वो होने के बाद फिर सहसहमति से देश के प्रधानमंत्री के लिए सोचा जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा मौका आया कि एक बिहार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं बिहारी होने के नाते, बिहार का बेटा होने के नाते मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो आपने सुना कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने साफ साफ जहां नीतीश कुमार की तारीफ की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं वो काफी बढ़िया है, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी देश में लोगों को दबा रही है वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का यह बयान बता रहा है कि मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव की स्टार पार्टी में जब मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए थे तब से यह कयास लगाया जा रहा था कि क्या
मुकेश सहनी का बीजेपी के साथ डील हो गया है। क्या मुकेश सहनी बिहार एनडीए में एक बार फिर से शामिल होंगे? लेकिन मुकेश सहनी का जो सूर है अब बदल गया है। मुकेश सहनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं बीजेपी को सुना रहे हैं। आपको बता दें कि कल जीतनराम मांझी जो कि हम पार्टी के संरक्षक है वो दिल्ली गए थे और वहां पर अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन अमित शाह से मिलने के बाद भी वो नीतीश कुमार की ही तारीफ किया। उन्होंने कहा कि मैंने कसम खा रखी है कि जब तक है नीतीश कुमार के साथ रहेंगे नीतीश कुमार जहां। तो अब जीतनराम मांझी के बाद मुकेश सहनी से जो है नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खबर को लेकर दूसरे चैनल को ध्यान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं हमारे पेज पर। धन्यवाद।